शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि एक आदमी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह के साथ कोई शरीक बनाकर पुकारो हालांकि उसी अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। उसने पूछा, फिर कौन सा? फरमाया, ये कि तुम अपने बच्चे को इस डर से कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाएगा। उसने पूछा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की बीवी से जिना करो। अल्लाह ताला ने इस बात की तस्दीक में ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। जो लोग अल्लाह के साथ किसी और को माबूद बनाकर नहीं पुकारते और किसी जान को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने हराम ठहराया है, हक के बगैर कत्ल नहीं करते और जो जिना नहीं करते, वही रहमान के मोमन बंदे हैं। और जो इन कामों का इर्तकाब करेगा वो सख्त गुनाह की सजा से दोचार होगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान फौत हो जाए और उसके लिए उसके चार करीबी पड़ोसी ये गवाही दे दें कि हम इसके मुतलक भलाई के सिवा कुछ नहीं जानते, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, मैंने तुम्हारी गवाही कबूल कर ली है और मैंने इसके वो गुनाह भी माफ कर दिए हैं जो तुम नहीं जानते हो। मुअज्जज नादरीन, अल्लाह ताला हम सब को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इन अहादीस मुबारका पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।